हाय डियर्स, ऑल आर वेलकम टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। आज का जो एक्सप्लेनेशन है, आज की जो ट्रेनिंग है कि एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर कूलिंग लेस हो रही है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे, और हाँ वो भी नॉन इन्वर्टर बेस पे अगर वो रेफ्रिजरेटर ऑपरेट किया गया है तो। अगर वो इन्वर्टर बेस पे है तो दूसरी वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में अगर कूलिंग लेस हो रही है और वो भी फैन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें फैन मोटर सिंगल फेज के सिंगल मोटर होते हैं, एक ही मोटर यूज किए गए होते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक नॉन इन्वर्टर बेस्ड रेफ्रिजरेटर का फैन मोटर में जब प्रॉब्लम आती है तो उनमें कूलिंग के इफेक्ट कैसे कम हो जाते हैं और उनको कैसे रिपेयर करते हैं, देखते हैं इस वीडियोस में। अगर आपके डबल डोर फ्रिज में इनके फ्रीजर में रखे हुए आइस ट्रे, फ्रीजिंग होने वाले सामान, एक बार फ्रीजिंग होकर के भी अगर ये मेल्ट हो गए हों, या कि इनके आइस ट्रे के अंदर रखे हुए ये आइस भी अगर ये मेल्ट हो चुके हैं, और ऐसा भी नहीं कि फ्रीजर के अंदर आइस ट्रे में रखा हुआ पानी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है, नहीं ठंडे हो रहे हैं, बस सिर्फ इतना कि ये बर्फ नहीं हो रहा है, ये आइस नहीं हो रहा है, अंदर की सारी रखी हुई चीजें ठंडी हैं लेकिन फ्रोजन नहीं है। इनके कंप्रेसर को आप हाथ लगाते हैं तो ये गर्म रहते हैं, ये गर्म भी हैं, और ठीक इनके साइड में लगे हुए अगर कंडेंसर के कुछ पार्ट यहाँ पर भी लगे हैं तो आप इनको भी चेक कर लें, हाँ ये गर्म है तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि इनका कंप्रेसर और रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले इनके कूलिंग के फॉल्ट को चेक करने के लिए कि फ्रीजर के पोर्शन वाली बॉडी को कान लगा करके सुने, क्या इस फ्रीजर के अंदर फ्रीजर के बैक पैनल के पीछे कोल्ड एयर को रिसाइकल करने वाला फ्रीजर फैन वर्किंग है कि नहीं। वो इसलिए कि अगर वे फ्रीजर फैन वर्किंग नहीं होंगे, इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि फ्रिज के पीछे जहां पर कंप्रेसर फिट है हमें यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके फ्रीजर के अंदर फिट हुए पैनल के पीछे जो फैन चल रहे होते हैं, अगर वो फैन नहीं चलेंगे तो फ्रीजर के अंदर का एयर इनके फ्रीजर कूलिंग कॉइल से टच होकर के बार बार रिसाइकल नहीं होगी, जिससे ये कंपार्टमेंट फ्रोजन नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले इस फ्रीजर के पूरे सामान को खाली करना होगा, इनको हटा करके हम इनके पीछे के पैनल को खोलने के लिए पैनल के स्लॉट के अंदर लगा हुआ स्क्रू को हम खोलेंगे और इस पैनल को किसी स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसको बाहर निकालेंगे, और फिर यहाँ पर लगे हुए फैन को हम चेक करेंगे कि ये वर्किंग है कि नहीं। उसका पहला स्टेप है, उसको चेक करने का तरीका है कि नीचे वाला ये रेफ्रिजरेटर डोर जब हम क्लोज करते हैं तो दरवाजा बंद होने के टाइम पे यहाँ पर लगे हुए डोर स्विच, क्या ये डोर स्विच प्रॉपर क्लोज होते हैं, पुश होते हैं अंदर की तरफ। जब तक ये लगे हुए डोर स्विच प्रॉपर अंदर की तरफ पुश नहीं होंगे तब तक ये फ्रीजर के अंदर लगा हुआ फैन ये रोटेट नहीं होते हैं, और जब ये डोर स्विच बाहर आ जाते हैं तो इनके फ्रीजर के अंदर लगे हुए फैन स्टॉप हो जाते हैं, जो ये डोर स्विच अक्सर डोर ओपन क्लोज होने से वर्क करते हैं। तो अगर ये फ्रिज का दरवाजा प्रॉपर क्लोज नहीं होता है या कि फ्रिज के डोर लाइट स्विच पुश नहीं होते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए फ्रिज के डोर को ऐसा एडजस्ट करें कि इनके अंदर लगे हुए फैन या कि लाइट को ऑपरेट करने वाले ये डोर स्विच का ओपन क्लोज होना वर्किंग हो जाए। तो फ्रिज के दरवाजे का फॉल्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को जरूर देखें और फ्रिज के दरवाजे को एडजस्ट करना या कि रिपेयर करना सीखें। अगर आपको लगे कि डोर स्विच क्लोज होने से इनके फ्रीजर के फैन चलने लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनमें लगे हुए फैन मोटर से चलने वाली ये ब्लेड इसको घुमा करके देखें। अगर ये फैन ब्लेड घुमाने से फ्री नहीं घूमते हैं तो इसका मतलब है कि ये फैन ब्लेड जैम है। ऐसी कंडीशन में इनके फ्रीजर के इस पैनल को किसी प्लायर के हेल्प से अगर इनको खोलने के बाद में अगर इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि इस कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस बहुत ज्यादा भी नहीं है, जिससे कि ऐसा भी नहीं लगता है कि फ्रिज डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा है, जिससे कि आइस बहुत ज्यादा होने से इनमें लगे हुए बायोमेटल जब आइस के अंदर डूब जाते हैं और माइनस डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद में यहाँ के आइस मेल्ट हो जाया करते हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये इनके ऊपर जो स्नो दिखाई दे रहे हैं, जो आइस दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर दिखाई देने वाले आइस वे स्नो
वो व्हाइटनेस इसलिए है कि जब इस फ्रीजर के अंदर का फैन रोटेट नहीं होगा तो कंपार्टमेंट के अंदर की एयर इस फ्रीजर को बार बार टच होकर के एयर रिसाइकल ना होने की वजह से इस फ्रीजर के कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग नहीं होता है और इस पैनल के पीछे इस कॉइल के ऊपर कूलिंग के इफेक्ट से वो व्हाइटनेस ज्यादा मेंटेन होने लगते है। ये इस चीज की पहचान है कि फ्रीजर के अंदर लगा हुआ फैन मोटर रोटेट नहीं होता है, या तो ये फैन मोटर जैम हो गए हैं जिससे कि ये घुमाने पे फ्रीली मूव नहीं हो रहे हैं, तो हमें इनके फैन मोटर को रिप्लेस करने के लिए इस फैन मोटर की वायर जो फ्रीजर के कनेक्टर को कनेक्ट होती है कि इनके कनेक्टर को चुटकियों से दबा करके नीचे की तरफ खींचें, ये बाहर आ जाते हैं और फिर इनके फैन मोटर पैनल को यहाँ से निकालें। आप इनके फैन मोटर को खोलने के लिए और इनको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इस फैन ब्लेड को पुल आउट करें, ये बाहर आ जाएंगे इस तरह से। हाँ डियर्स, तो अब टाइम आ गया है कि एक डबल डोर फ्रिज के फ्रीजर में यूज हुआ फैन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे रिप्लेस करेंगे और कैसे उसकी टेस्टिंग करेंगे। और हाँ, उसके पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। कि अगर आप अपने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें कि क्या हमारी सर्विसेज आपके सिटीज में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो हमारे इस 9833377777 कॉन्टेक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं और आपके अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करें। अब पूरा कर लेते हैं इस वीडियोस को कि एक डबल डोर फ्रिज में फ्रीजर फैन के प्रॉब्लम से हो रही नॉट कूलिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इस फैन ब्लेड को पुल आउट करें, ये बाहर आ जाएंगे इस तरह से, और इनके फ्रंट क्लैंप के ऊपर लगे हुए दोनों स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको होल करके और क्लैंप के साथ में इनके फैन मोटर को बाहर ले लें। अब हम इस फैन मोटर के क्लैंप और रबर बुशिंग को निकाल करके अब हम इनके दोनों साइड में लगे हुए ये वाइट कलर के बुशिंग हम इनको खोलेंगे और इनमें ऑयल पिलाएंगे, किसी स्क्रू ड्राइवर से खोलें और इनके बुशिंग को इसमें से बाहर निकाल लें और इनके अंदर लुब्रिकेंट ऑयल को पिला दें। रोटर को भी इस तरह से खींच करके इनमें से बाहर निकालें और इनके पीछे वाले बुशिंग बेरिंग के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल को पिला दें और वापस इन्हें रीफिटिंग करने के टाइम पे हमेशा ध्यान रहे कि ये कोर इनके साइड कभी चेंज ना हो। आप इनकी बुशिंग को वापस इस तरह से इनको रीफिटिंग करके इस रोटर को वापस सेट करें और इनके फैन शाफ्ट के अंदर इनको वापस फिटिंग करके इनके स्क्रू को वापस फिटिंग कर दें और अब वापस हम इस फैन मोटर को इनके जगह पर सेट करके इनके शाफ्ट के ऊपर से और उसके ऊपर से इनके सपोर्ट क्लैंप को इनके दोनों स्क्रू को वापस टाइट कर दें और अब इनके शाफ्ट के ऊपर इस फैन ब्लेड को पुश कर दें। अब आप देख सकते हैं ये काफी फ्री हो चुके हैं, थोड़ा सा इशारा करते ही कई राउंड रन करने चाहिए। अब ये कितने फ्री हो गए हैं और याद रहे कि इनके फैन मोटर अगर फॉल्टी हो गए हो तो उनको बिल्कुल रिप्लेस ही कर देना चाहिए। रिप्लेस करने की कंडीशन तब होती है जब इनके बुशिंग बेरिंग के अंदर काफी प्ले आ चुके होते हैं। इनके फैन मोटर की टेस्टिंग है कि इनके मोटर वाइंडिंग से आ रहे ये न्यूट्रल फेस वायर के कनेक्टर से जो हो रहे हैं, आप इनके कनेक्टर के न्यूट्रल फेस वायर को किसी सीरीज टेस्टर से आप इनके वायर से लगाकर चेक करें। इस तरह से अगर इनमें लाइट होती है इसका मतलब है कि ये फैन मोटर ओके है, लेकिन इस फैन मोटर के अंदर कुछ फॉल्ट ऐसे भी होते हैं या कि इनके बुशिंग बेरिंग के अंदर प्ले का ज्यादा हो जाना, ऐसी कंडीशन में इस फैन मोटर को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल ये हमारी वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक्स पे थी कि हाउ टू फिक्स रेफ्रिजरेटर फैन मोटर प्रॉब्लम, फैन मोटर प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करें, अगर ये जैम हो गए हैं तो इनको फ्री कैसे किया जाए, या कि ये ऑपरेट नहीं हो रहे हैं तो इस फैन मोटर को रिपेयर कर देने से रेफ्रिजरेटर के अंदर नॉट कूलिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते। तो अब हम इस फैन मोटर की फाइनल रीफिटिंग करने के लिए सबसे पहले इनको कनेक्ट कर देते हैं और फिर इनके फैन मोटर पैनल को रीफिटिंग करके फिर इनके आउटर पैनल को भी प्रॉपर फिटिंग करके और जब हम इनके पावर प्लग को कनेक्ट करके इनके स्विच को ऑन करते हैं, इनके फ्रिज के अंदर 2 से 4 घंटे के अंदर अच्छी कूलिंग होने लगती है। तो डियर्स, होम अप्लायंसेस के नॉलेज से क्वालिफाई होने के लिए और रिपेयर सर्विस सीखने वालों के लिए एक अच्छा पोर्टल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और डियर्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप भी हमारे एक लाइक्स के कर्जदार हैं, प्लीज
वीडियो को लाइक करिएगा। इजाजत दीजिएगा, मिलना चाहूंगा एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।